फ्रेंड्स, कुजूर इलेक्ट्रिकल्स में आपका प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे टेबल फैन वाइंडिंग के बारे में। आप रनिंग के चार कोयल और स्टार्टिंग के चार कोयल को डायरेक्टली आप वाइंडिंग कर सकते हैं। यदि आप सिंगल सिंगल कोयल बनाते हैं तो वो कनेक्शन आप छोड़ दीजिए, आप डायरेक्टली रनिंग के चार कोयल और स्टार्टिंग के डायरेक्ट चार कोयल आप वाइंडिंग करके बहुत ही सरल तरीका से आप वाइंडिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका समय का भी बचत होगा और आपका फिनिशिंग भी ज़्यादा आएगा। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं वाइंडिंग के बारे में। अब पहला स्टेप से आप कैसे वाइंडिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप दूसरा तरीका से कैसे वाइंडिंग कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तीसरा तरीका से टेबल फैन को कैसे वाइंडिंग की जाती है। तीनों 100% वर्क करते हैं। तो चलिए आज हम लोग पहला स्टेप देख लेते हैं, जो हर एक टेबल फैन या स्टैंड फैन में वही कनेक्शन पाया जाता है, जो अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप कैसे वाइंडिंग कर सकते हैं। तो आपके पास इस प्रकार का चार फर्मा होना बेसिक ज़रूरी है, और साथ में आपके पास इस प्रकार का सीट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस प्रकार का सीट आपको नहीं मिलता है तो ये पीवीसी बोर्ड का सीट है, वायरिंग बोर्ड का। आप सीट को इस प्रकार से कटिंग कर लीजिए। देखिए इसका साइज 4x4 इंच है। आप जो एक मीडियम साइज है, इस प्रकार का आपके पास 5 सीट होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार का आप 5 सीट बना लीजिए, ताकि आप रनिंग के चार कोयल और स्टार्टिंग के चार कोयल को बहुत ही सरल तरीका से आप कोयल बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फर्मा के साइज़ के बारे में। इसका जो लंबाई है ये 1.5 इंच है और चौड़ाई 1 इंच है। आपका फर्मा का साइज़ यदि सही है तो आपका कोयल इस तरह से वाइंडिंग होगा। देखिए इस स्टेटर में आपको दिखाई दे रहा होगा, कहीं जॉइंट नहीं है। हम लोग इसमें डायरेक्टली रनिंग के चार कोयल और स्टार्टिंग के चार कोयल को वाइंडिंग करके बनाए हैं। तो इस प्रकार का आप वाइंडिंग कैसे कर सकते हैं, यदि आपके पास ये फर्मा नहीं है तो ये फर्मा आप खुद से 4 पीस बना लीजिए, और इसके ऊपर इस प्रकार का सीट आप बना लीजिए। ये सीट आपको कोयल निकालने में मदद करेगा। इस प्रकार से आप वाइंडिंग कोयल को इससे फर्मा से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वाइंडिंग करते हैं कि रनिंग कोयल और स्टार्टिंग कोयल को आप कैसे वाइंडिंग कर सकते हैं बिना कट किए हुए। एक सीट आप वाइंडिंग मशीन में इस प्रकार से डाल लीजिए, उसके बाद एक फर्मा आप इस प्रकार से डाल लीजिए। देखिए इस प्रकार से, फिर आप एक सीट यूज कीजिए, फिर एक फर्मा यूज कीजिए। इस प्रकार से आप सारे फर्मा को सेट कर लीजिए वाइंडिंग मशीन में। आप सेट करने के बाद इस नट को आप अच्छा तरीक़ा से टाइट कर लीजिए, ताकि आप वाइंडिंग मशीन के साथ घूमें। ये नहीं कि वाइंडिंग मशीन अलग घूम रहा है, आपका फर्मा अलग घूम रहा है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप एक धागा या वायर आप पार करके कोयल को बिछड़ने नहीं देने के लिए आपको इस प्रकार से धागा को पार करना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से आप धागा पार कर लीजिए, ताकि आप रनिंग के चार कोयल और स्टार्टिंग के चार कोयल को अलग अलग खंड में बांट सकते हैं। वाइंडिंग करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना बेसिक ज़रूरी है, उनके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। तो यदि आप इस एरिया से, यहाँ से यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं वाइंडिंग करना, तो सेकेंड वाइंडिंग भी आप यहीं से कीजिए। यहाँ से वायर को पार कीजिए इस तरीका से, फिर आप इसमें इस तरीका से, फिर इस तरीका से। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से पार किए फिर सेकेंड में यहाँ से, ऐसा नहीं। आप एक ही जगह से पार कीजिए, ताकि आपको फर्मा निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम लोग वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। मीटर को जीरो कर दिए हैं। रनिंग में 740 टर्न्स और स्टार्टिंग में 700 टर्न्स देके हम लोग वाइंडिंग करेंगे। जो स्टैंड फैन है, आप टेबल फैन का भी सेम डाटा। यदि आपके पास डाटा नहीं है, आपके डाटा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मेरा टेबल फैन का डाटा देख सकते हैं। 35, 36 और 37 का हम डाटा दे चुके हैं, कौन कौन सा आप कंडेंसर यूज कर सकते हैं। पूरा वाइंडिंग होने के बाद अब इस धागा को यहाँ से हटा के इस कोयल को अच्छा से टाइट कर लीजिए धागा के सहारे, ताकि ये जो कोयल है वो आपस में ना बिछड़े। देखिए इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका है।
तो इस तरह से हम लोग चारों कोयल को वाइंडिंग कर लिए हैं। अब हम लोग इसको इस स्टेटर में डाल के देखेंगे इसका साइज क्या आ रहा है और कहाँ पे आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आप रनिंग कोयल और स्टार्टिंग कोयल को आप कैसे वाइंडिंग कर सकते हैं।